नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारी प्रहार कक्षा में, जहां बिहार सिविल कोड स्टेनोग्राफर के रिटन एग्जाम के दो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश के विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आज एक बार फिर से गुड मॉर्निंग सभी को। 9 बज चुके हैं, आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। तो चलिए ठीक है, देखिए आज देखते हैं हिंदी हमेशा की तरह। तो आज कुछ बात करते हैं विलोम शब्दों की। चलिए, विलोम शब्दों में आज हम पढ़ने वाले हैं 10 खास विलोम शब्द। आमय, निरामय, याद रखिएगा, आमय, निरामय, सुघड़, फूहड़, सुघड़, फूहड़, दे, विदे, नायक, खलनायक, निंदा, स्तुति, परतंत्र, स्वतंत्र, परितोष, दंड। परितोष मीन्स जो रिवॉर्ड जो हमको मिलता है, दंड, भूषण, दूषण, भौतिक, आध्यात्मिक। देखिए, भौतिक का आप लोग जो है कुछ, और रासायनिक ऐसा कुछ मत कर दीजिएगा, ठीक है। भौतिक और आध्यात्मिक ये दो अलग चीजें हैं, ठीक है, और साधर्म्य और वैधर्म्य। तो विलोम शब्दों में हमने देखा आमय, निरामय, सुहड़, फूहड़, देह, विधेय, नायक, खलनायक, निंदा, स्तुति, परतंत्र, स्वतंत्र, परितोष, दंड, भूषण, दूषण, भौतिक, आध्यात्मिक, साधर्म्य, वैधर्म। इसके लिए, इसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, कुछ खास वाक्यांश है ये अक्सर मिलते हैं, मैं वही लेके आया हूँ। पागुर, पशुओं द्वारा जुगाली करने की प्रक्रिया। अब जुगाली भी एक प्रक्रिया है, ठीक है, उसे करने की प्रक्रिया, ठीक है, पागुर कहलाती है। तो इसको विशेष तौर पर याद रखे, जो दुख सुख से परे हो, परम हंस, परम हंस, ठीक है, दुख सुख से परे हो, ठीक है। तो परम हंस किसी व्यक्ति, किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि, पारिश्रमिक, रेम्यूनरेशन जिसको अपन कहते हैं, तो ठीक है। प्रतिभा, वैभव, जिसके तीन और पानी हो, प्रायद्वीपी, आपने सुना होगा प्रायद्वीपी भारत, या इस तरीके से, तो तीन और उसके पानी हो। नाटक के आरंभ में की जाने वाली स्तुति नांदी पाठ कहलाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका याद रखें, नांदी पाठ। मुहावरे लोकोक्ति की तरह आगे बढ़ते हैं, कुएं में भांग पड़ना सबकी मृत्यु भ्रष्ट हो जाना, क्योंकि कुएं का पानी, अगर उसमें भांग गिर जाएगी तो सभी पियेंगे, सबकी मृत्यु भ्रष्ट हो जाएगी। तीन लोग से मथुरा नारी, सबसे अलग स्थिति, ठीक है, सबसे ही अलग स्थिति। काल कवलित होना, काल कल कवलित होना, मर जाना इसका मतलब होता है। दाने दाने पर मुहर, अपना अपना भाग्य। कौलुआ बैल होना, निरंतर काम में जुटे रहना, ठीक है। तो ये बहुत सामान्य से थे, इनमें आप विशेषकर ध्यान रखें। चलिए, शब्द शुद्धि अशुद्धि की बात करते हैं। मैं आपको 100 बार पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ, अशुद्धि और शुद्धि शब्द को याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक है, उन्हें लिख कर याद करें। उषा नहीं, उषा यानी उषा नहीं, उषा, ठीक है। तूफान में ऊ की मात्रा, तूफान। दंपति या दंपत्ति नहीं, दंपति, दंपत्ति, दंपति, दंपर ती। त्योहार नहीं, त्योहार, त्योहार नहीं, त्योहार। नीति में दो, एक मात्रा बड़ी एक मात्रा छोटी आती है, दोनों मात्राएं बड़ी नहीं आती है, ठीक है, ती की मात्रा जो छोटी आती है। रूप नहीं, रूप, बड़ा रूप बनेगा यहाँ पर, ये देखते। हरितिमा नहीं, हरितिमा, हरितिमा नहीं, हरितिमा, ठीक है। न्यौछावर नहीं, न्यौछावर। छिद्रान्वेषी नहीं, छिद्रान्वेषी, शी, छिद्रान्वेषी। शुश्रूषा में क्षय नहीं आएगा, सलगम, सड़क वाला, शुश्रूषा में शलगम वाला जो है क्षय आपको देखने को मिलेगा। तो इनको लिखिएगा बार बार, ये तभी याद होंगे, अन्यथा ये याद नहीं होंगे, याद होकर के भी आप प्रश्न को गलत कर देंगे। चलिए, समानार्थक शब्दों की बात करते हैं। अस्त्र, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, जैसे तीज, तीर, बर्छी और गोला, ठीक है, जिसे आप हाथ से फेंक कर किसी और पर चलाते हैं, ठीक है। अस्त्र, शस्त्र, हाथ में ही रहकर चलता है, तलवार। अवस्था, आयु और अनुराग। अवस्था की बात करते हैं, अवस्था और आयु। अवस्था शरीर, जीवन या पदार्थ, पदार्थ की कोई स्थिति। बीमारी की अवस्था कैसी है आजकल, उनकी अवस्था अच्छी है। आयु, जीवन की जो हमारी आयु होती है, ठीक है, उम्र, आयु क्या है, आपकी आयु वो क्या है। अनुराग और स्नेह, वस्तुओं के प्रति लगाव, वह अपनी घर की चीजों पर बहुत अनुराग है, ठीक है, चीजों के प्रति लगाव, स्नेह, छोटे बड़ों का प्रेम। आसक्ति किसी के प्रति विशेष हो, उसी की रुपयों में बहुत आसक्ति है। प्रणय, स्त्री और पुरुष के बीच का प्रेम प्रणय कहलाता है, ठीक है, और प्रेम, छोटे बड़े सबके प्रति जो आम लगाव होते हैं उसे हम प्रेम कहते हैं। तो यहाँ पर ही समानार्थक शब्द है, इनको रिपीट कीजिएगा, ठीक है, अंतर मालूम चलेगा। अस्त्र और शस्त्र का प्रश्न बहुत आता है, प्रणय और प्रेम का, और स्नेह और आसक्ति का प्रश्न बहुत आता है, ध्यान रखिए। चलिए, आज हिंदी में हम इतना ही प्रश्न करेंगे, इंग्लिश में आज देखेंगे हम अगेन, हम एक बार फिर से हमारे वन वर्ड, ठीक है। तो वन वर्ड में हमें आज अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश एंड प्रेस, लॉन्ड्री बोलते हैं, अवश्य बात है, इसको अच्छे से याद रखें आप। लॉन्ड्री में हमारे कपड़े धुलते हैं और प्रेस किए जाते हैं। 1000 टाइम्स, 1000, मिलियंस,
10 लाख जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। वन हु लिव्स नियर अनदर, जो एक दूसरे, अब पता है ये बहुत आसान है नेबर का, लेकिन इसकी लाइन जो है वन हु लिव्स नियर अनदर, तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है समझ पाना। तो नेबर वर्ड अपोजिट इन मीनिंग एंटोनिम और वर्ड सिमिलर इन मीनिंग सिनोनिम, बहुत आसान लिया आज मैंने, हम इतना कोई भारी वो नहीं करेंगे। ए डिजीज दैट इज फाउंड रेगुलरली इन ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी छोटे से प्लेस के अंदर या किसी भी स्थान के अंदर एक आमतौर पर फैलने वाली बीमारी या पाई जाने वाली बीमारी एंडेमिक कहलाती है, और बड़े स्तर पर बड़ी जगह पर फैले तो उसे हम पैंडेमिक कहते हैं, ठीक है। ए जर्नी बाय सी, अगर समुद्र की अगर कोई याद करते हैं यात्रा करते हैं तो उसको वोएज कहते हैं, इसकी स्पेलिंग याद रखें, अभी स्पेलिंग मिसेस हेल्प में आ सकती है। ए पर्सन, ये हम उस दिन परसों भी करे थे हमने, ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस चेन मार्क को बर्गलर कहते हैं। चलिए वोकैब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टफ जो पड़ता है, रिलेटिव तुलनात्मक, अपन कहते हैं ना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो गया, रिलेटिवली वो ऐसा है वो ऐसा है, तो रेस्पेक्टिव का मतलब होता है क्रमानुसार या स्थान आधारित, कंपेरेबल कंपेयर करते हैं, कोरिलेटिव सह संबंध उससे, एब्सोल्यूट ठीक है, डिसिमिलर और अनरिलेटेड, ऑब्वियसली बात है रिलेटिव का, यहाँ पर अपने रिलेटिव को हम क्या कर लेते हैं, सगे संबंध को समझ लेते हैं, बल्कि वो तुलनात्मक स्थिति में है यहाँ पर। अनफेटर्ड का मतलब है निरंकुश, अनफेटर्ड का मतलब है निरंकुश, ठीक है। तो इसके हम क्या देखेंगे निरंकुश के, ठीक है, ये शब्द देखेंगे, तो निरंकुश में हम क्या पकड़ रहे हैं कि अनरेस्ट्रिक्टेड, अनकॉन्स्ट्रेंड, अनब्रिडल, क्या है ठीक है, निरंकुश, अनब्रिडल, ब्रिडल एक्चुअल में जो है मतलब लगाम को बोलते हैं ब्रिडल, ठीक है। तो रेस्ट्रेंड, रेस्ट्रिक्टेड, रोकना। इसके बाद सस्टेनेबल में हम देखते हैं प्रबल, ठीक है, सस्टेनेबल का मतलब है सब्सटेंशियल, सॉरी सब्सटेंशियल का मतलब है यहाँ पर प्रबल, तो प्रबल में हम क्या देखते हैं सॉलिड, स्टाउट, कंसिडरेबल, और इसके एंटोनिम देखते हैं तो इनसस्टेनेबल, वर्थलेस और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये देंगे इंट्रीग्यू, दिलचस्प बनाना, बहुत अच्छी स्पेलिंग है ये, याद रखने से, यह है इंट्रीग्यू, दिलचस्प बनाना, फैसिनेट, अट्रैक्ट, इंटरेस्ट, फैसिनेट, अट्रैक्ट, इंटरेस्ट, ये क्या होंगे दिलचस्प के होंगे, और इसके विपरीत क्या होंगे बोर कर देते हैं आप, अनएक्साइटेड है, अनस्टिम्युलेटेड है, ठीक है, जो आपको स्टिम्युलेट नहीं करता, जो आपको एनर्जाइज नहीं रखता, वो उसके लिए आप इसको यूज करेंगे। देखिए उसके बाद शेड, बर्खास्त करना, शेड का मतलब यहाँ पर क्या है बर्खास्त करना, लेट गो जाने दो, डिस्चार्ज जाने देना, डिसमिस कर देना, और हायर यानी उसको रखना, टेक ऑन लेना, उसको अडॉप्ट यानी उसको लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके सारे जो है हमारे वर्ब्स, सॉरी वोकैब जो है रिलेटिव, अनफेटर्ड, सब्सटेंशियल, इंटरव्यू और शेड, इनको ढंग से याद करें यार और समझने की कोशिश करें। इसके बाद आप बात करते हैं हमारे एक बार फिर से इडियम एंड फ्रेजेस की, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से, टू लुक डाउन वंस नोज, किसी की नाक पर देखना, टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट अपनी गलती के लिए, उसको जो है माफी मांगना, या टू लुक डाउन वंस नोज, टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट अपनी जो गलती हुई है उसके लिए आपको माफी मांगना। दे रादर लुक डाउन देयर नोज एट एनीवन कुड नॉट स्पीक फ्रेंच, ठीक है। टू मिस द बस, टू मिस द अपॉर्चुनिटी, और एक तरीके से बस हमारी अपॉर्चुनिटी होती है एक तरीके की यात्रात्मक, तो मिस द अपॉर्चुनिटी, मिस द बस। फ्रेंच लीव, लंबी छुट्टी बिना किसी परमिशन के, लीव विदाउट परमिशन, या तो कोई लंबी छुट्टी हो या फिर बिना परमिशन के आपने कोई छुट्टी ले ली है तो वो फ्रेंच लीव होती है, बहुत बार आता है अक्सर, ठीक है। तो इसको याद रखें, टू बर्न ए होल इन द पॉकेट, टू बर्न ए होल इन द पॉकेट, मनी दैट इज स्पेंट क्विकली, मान लीजिए आपकी पॉकेट के अंदर कोई होल हो गया तो पैसा निकल जाएगा, लेकिन उस होल में भी आग लग गई तो होल बड़ा हो गया, इट मीन्स ऐसे मान लीजिए, तो वहां पे आपकी पैसा जो है जेब में सारा एकदम से जो है खर्च हो जाएगा, ऐसे मान के चलिए। तो बर्न ए होल इन द पॉकेट, इसका यहाँ पे हम समझेंगे। तो बीट द एयर, हवा में ही मारना या हवा को मारना, इफर्ट दैट आर वेन एंड यूजलेस, फ्यूटाइल इफर्ट्स करना, एक वर्ड है इंग्लिश का फ्यूटाइल, ठीक है, तो उसका अगर कि फ्यूटाइल इफर्ट्स करना जिनका कोई सेंस नहीं, हवा में लाठी चलाना कहने का मतलब, ठीक है। मिसेस स्पेल्ड वर्ड्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, सुपर सीडेड का बहुत शानदार शब्द है, इसकी याद रखिए SUPERSED, सुपर सीडेड, इससे इस फर्स्ट वाली स्पेलिंग से कंफ्यूज ना हो। अबंडेंट बहुत आता है, याद रखिए इसमें ई नहीं आता है, इसमें कहीं पर भी ई नहीं आता, इसमें यू और ए आपको देखने को मिलेगा। असैसिन, हत्या, असैस, असैसिन, ठीक है। उसके बाद फोयर आपका एक वर्ड है यहाँ पर, इसकी स्पेलिंग FOYER होती है, सेपरेटली, बहुत आसानी से आप इस स्पेलिंग में कंफ्यूज आते हैं, तो याद रखें इसमें दो ए आते हैं और दो ई आते हैं, SEPARETELY सेपरेटली। और चौथा छठा हमारा वर्ड है पेडेस्ट्रियन, वर्ड हमारा क्या है
पेडिस्ट्रियन, तो पेडिस्ट्रियन का ध्यान रखें, PEDESTRIAN, ठीक है। तो इस तरीके से आज का जो हमारा हिंदी और इंग्लिश का जो वॉकैब का और जो बाकी चीजों का पेज था वो कंप्लीट होता है। इसे अपने नोट्स में रेडी करें, इसको पढ़ें, ठीक है। और आप सभी लोगों के लिए स्किल टेस्ट की क्लासेस चल रही हैं डेली रात 8:30 बजे, उसे ज्वाइन करें अपनी शॉर्ट हैंड को बेस्ट बनाने के लिए। या आप इसके साथ साथ हमारी जो वेबसाइट है उसको भी देख सकते हैं, जो बेस्ट ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश स्टेनोग्राफी के लिए। चलिए मिलते हैं हम कल फिर एक और हमारी नई क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद इस कक्षा को देखने के लिए।